वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं। चलो फटाफट बताओ मुझे, रिकॉल करवाओ मुझे DDX ऑफ x^n। क्या होता है रे? n(x^n-1) DTx of constant is 0. DTx of x is 1. DTx of log of x is 1/x. DTx of log of x^a = 1/(x)log(a)e. DTx of e^x is e^x. DTx of a^x is a^x (log(a)e. DTx of √x is 1/(2)√x. DTx of 1/x is -1/x². DTx of constant (f(x) is constant (derivative of f(x)). सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही है ना? चलो फटाफट, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लिए हुए थे बताओ, है ना? 44 है ना? अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 45 की। आता तुम्हीच मला सांगा, आपण जे बघत होतो तो कोणते प्रॉब्लेम बघत होतो? क्या देख रहे तेरे हम लोग, बोलो ना। एक्सपोनेंशियल ऑफ xk। हाँ, a^(x). मैं फास्ट ट्रैक में 2-4 मिक्स प्रॉब्लम लेता हूँ, ये मुझे तकलीफ दे रहा है ना, ये तकलीफ दे रहा है केवल ना। देखो आजकल ऐसा है कि कोई भी तकलीफ दे देता है ना। चले, हाँ देवदत्त कीर्तने, तो क्वेश्चन लेते हैं ना अपन। y = x^2 है ना? बताओ क्या जाएगा रे? dy/dx = तनिष्का देशमुख बोलो, 200 × x^199। डायरेक्टली किया तो चलेगा ना? हाँ या ना जी? हाँ, है ना? चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 46। इसके बाद में y = बताए e^x dy/dx कितना हो जाएगा रे? e^x। एग्जाम्पल 47, आप ही बताओ y = है ना 11^x dy/dx क्या हो जाएगा? 11^x (log(11)e। सही है गलत है बोलो? सही है सर, 100% सही है। मैं दिख तो रहा हूं ना बराबर? अबे बोलो ना। हाँ सर, हाँ सर। बच्चे बदमाश है, एक नंबर के लुच्चे लफंगे है। हाँ अरे तू साली परेशान करती है ना? हाँ हाँ, मैं चेयर की बात कर रहा हूं रे अब। हाँ अच्छा हो गया मैंने बता दिया, नहीं तो आपको लगता था कौन परेशान कर रही है ना। एग्जाम्पल नंबर 48 बताओ रे। एग्जाम्पल नंबर आप क्या बताओगे? एग्जाम्पल नंबर 48 लेने से पहले एक मुझे फार्मूला रिकॉल कराओ आप। हमने ये देख लिया, ये भी फार्मूला देख लिया, ये सारे देख लिए, अब बात ये भी देख लिया। हाँ ये फार्मूला, अच्छा ये फार्मूला नहीं, आप ही मुझे बताओ डी डी एक्स
यानी कितना होते रहता, वन, वन है ना। अच्छा एक और फार्मूला देखा था हम लोगों ने, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ या ना। हाँ है ना, यानी के अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं कहूं है ना, क्या कहूं, y इज इक्वल्स टू 2x, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx इज इक्वल्स टू है ना कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, हाँ या ना, बोलो ना। हाँ। और अल्टीमेटली 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1, अल्टीमेटली डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं, अरे सारे लोग बोलो हाँ या ना। है ना, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मित्रों, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 48, अब आगे बढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 48 के बाद। हाँ करूं क्या स्लाइड चेंज, लिख लिया क्या आपने, लिखो हाँ, जल्दी जल्दी, मैं ऐसे दो चार और क्वेश्चन लेने वाला हूं। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं 48, अगला क्वेश्चन आप ही बताओ मुझे, एग्जाम्पल नंबर कौन सा रे 49, y इज इक्वल्स टू 3x, बताओ क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3, अब डायरेक्टली लिखू ना, अरे बोलो ना ज्ञानेश्वरी, हाँ आदित्य, हाँ है ना, श्रेया जैन, हर्षिता, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना, एक बार पूरा देख लिया क्या क्या है, तो अब हमको समझ में आ गया तो अब तो फटाक से आगे बढ़ेंगे ना। एग्जाम्पल नंबर हाफ सेंचुरी, y इज इक्वल्स टू 7x, बताओ लकी 7, बताओ टू 7, हाँ यस। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 51, y इज इक्वल्स टू माइनस 7x, बताओ dy बाई dx कितना हो जाएगा, -7, अबे बोलो ना, माइनस 7 है ना। एग्जाम्पल नंबर 52 है ना, y इज इक्वल्स टू 7^2x, बताओ अबे बोलो ना सर, 7^2 यानी क्या है, कॉन्स्टेंट, जैसा का वैसा, और डेरिवेटिव सिर्फ किसका है, एक्स का, मंजे डीवाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 7 का स्क्वायर 49, अबे हाँ या ना, बोलो ना रे, बोलते ही नहीं बच्चे आजकल, बहुत ही नाराज हो रहे मेरे ऊपर। हाँ विनीत, विनीत वो विनीत आया था ना आज, एक विनीत हाजिर हो, हाँ सर है ना, चलो ठीक है, दो चार दिन तक बहुत परेशान करने वाला हूं मैं तेरे को, है ना, फिर जब मेरे को भरोसा आ जावे कि नहीं तू कर रहा बराबर, तो फिर मैं तेरा लोड लेना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ अच्छा, एक बंदा बोल रहा है यहाँ पे कि दो चार दिन ही आएगा, बोले फिर बाद में नहीं आएगा, ऐसा करेगा क्या साले तू, नहीं सर रोज आऊंगा, रोज आएगा ना। हाँ वाई इज इक्वल्स टू, सारे लोग है ना, होला आयुष होलानी, हाँ वाई इज इक्वल्स टू 7x का होल स्क्वायर, आता सांगा सो असत कोणत फॉर्मुला तुम्ही सांगितलाच नाही, ऐसा कुछ देखा है क्या हमने, अरे सर सिंपली सर, हाँ कोई बात नहीं, सिंपलीफाई करो ना, 7 का स्क्वायर है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है आपको, a इंटू बी होल रेस्ट टू दी पावर m,
पार्शलिटी नहीं करने का, एम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का, तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। समझ में आया ना? अबे बोलो ना, है ना? याने इसका मतलब ऐसा है, 7 raised to the power 2 इंटू एक्स स्क्वेर, हाउ की नाउ हाउ dy by dx is equals to 7 square, बताओ रे, 7 square 49 जैसा का वैसा। अब आप ही बताओ, derivative of constant into f of x क्या होते रहता, constant into derivative of f of x, हाँ या ना? अबे बोलो ना, गौरी सिरो या समीक्षा जाजू, निकिता करसाडे, मयंक पोटवानी, बोलो। सही है सर, सही है ना? अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी dy by dx is equals to 49 जैसा का वैसा, x raised to the power n का डेरिवेटिव क्या होते रहता, n into x raised to the power n minus 1, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ dy by dx is equals to 49 into 2 98 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 2 minus 1, यानी 1 लिखे क्या या नहीं लिखे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? बोलो ना रे। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, है ना? अपना वो नहीं दिख रहा रे, औरंगपुरे, औरंगपुरे ही ना नाम, नाम वेदांत, किधर है रे वेदांत? वेदांत हाजिर हो? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा ना बेटा? हाँ सर। हाँ, सब देखेंगे, है ना? एक बच्चा बोल रहा है डायरेक्टली एक्स रेस टू दी पावर एन का फार्मूला नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं, उसके लिए चेन रूल आपको सीखना पड़ेगा। अभी हम साधा भी रूल बराबर नहीं सीखे हुए है, है ना? और तुम चेन की बात कर रहे हो, अभी उसको थोड़ा सा समय है, आप पेशेंस रखो, यू नीड नॉट टू वरी ज्ञानेश्वरी, है ना ताई? हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर बोलो रे, बराबर मारा ना मैंने? कोई बोलता नहीं मेरे को, बोलो ना। हाँ सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 54 हमने क्या देखा, बराबर है ना सब कुछ? एग्जाम्पल क्या है, बराबर ही तो है? ज्यादा आवाज कर रही क्या तू? हाँ हाँ, वाह, क्या रे सर, 52 नहीं लिखा ना कि, क्या 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 52nd वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा सर? लिखा 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 है ना ये? हाँ, वाई इज इक्वल्स टू, आप ही बताओ रे, 8x का स्क्वेर, बताओ कसो करायचं याला? तर वाई इज इक्वल्स टू 8 square into x square. Therefore, dy by dx is equals to 8 ka square 64 into d dx of x square. Batao re, dy by dx is equals to 64 into x square ka derivative kya ho jayega re? X raised to the power n ka derivative? N into x raised to the power n minus 1. म्हणजे dy by dx is equals to 64 into 2 128x. सही लिखा कि गलत लिखा मैंने? 100% सही लिखा, है ना? y is equals to 2x का क्यूब। अगला क्वेश्चन सांगा 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 सांगा, आ आ आ आ आ आ आ, बोलो रे, है ना?
गर्ल्स की एक खास आदत बताता हूं मैं, है ना। अगर गर्ल्स साथ में आ जावे एक जगह पे और टीचर पढ़ाता रहे और पढ़ाते पढ़ाते 2 मिनट है ना ऐसा लिखने को समय दे देवे, तो फटाक से बाजू वाले के कान के अंदर घुस जाते पूरा, है ना। गर्ल्स की एक खासियत रहती है ना रे, सही बोल रहा हूं ना मैं? गलत बोले मैदान को मालूम है? नो सर गलत। अरे मैं, मेरे को पक्का मालूम है ना, ऐसे ही बाल सफेद थोड़ी हुए सर। वो पीयूष को मालूम है? हाँ पीयूष को मालूम है। हाँ अच्छा, वाई इज इक्वल्स टू, हाँ ध्यान दीजिए सारे लोग, y इज इक्वल टू 2x का क्यूब। बताओ रे, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 का क्यूब इनटू x का क्यूब। सही लिखा गलत लिखा मैंने? अबे बोलो ना सर। सही है, dy by dx इज इक्वल टू 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अबे हो क्यों ना ही सांगा ना। हाँ सर। हाँ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा रे, 3 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 3-1। सही है गलत है? कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे जैसे सीधे साधे टीचर की सब लोग मजा लेते, बस जवाब कोई नहीं देता। बताओ 8 × 3 यानी 24। हाँ इंटू एक्स स्क्वेर आमचो उत्तर कबूतर। सर उसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, इसको एक्स स्क्वायर को और भी कर सकते हैं ना। काय को एक्स स्क्वायर को भी सॉल्व, 2 इनटू एक्स टू द पावर 2-1। एक मिनट एक बच्चा, सारे लोग शांत हो जाए, एक बच्चा बोलो बराबर। गुंजन बोल, क्या बोल रहा तू? सर उसको आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्या? 24 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 2-1। अरे भाई और डेरिवेटिव निकालना है क्या? ये डेरिवेटिव निकालने के बाद में की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, या डेरिवेटिव निकालने के पहले की वैल्यू है? बात की है ना, यहाँ एक ही बार डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है या दो दो बार डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है? एक बार है ना, एक बार डेरिवेटिव हमने निकाला है या निकालना बाकी है? निकाल लिया। फिर क्यों बे? अबे तू जब लड़की पसंद आ जाएगी, तेरे को शादी करना है तो एक ही बार शादी करेगा ना, है ना। शादी होने के बाद में चल डबल से करते हैं। अबे बोलना सर, जरूरी नहीं सर, बस मैं उसका क्या भरोसा? हाँ उसका भरोसा नहीं है सर, उसका भरोसा नहीं है, है ना। अरे आया ना समझ में क्या प्रॉब्लम था? तो गुंजन हाँ सर समझ गया। हाँ चलो ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे, मैं इनफैक्ट ये बेस बिल्डिंग जो अपन ले रहे हैं ना, ये इसी के लिए ले रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे चीजें दिमाग की क्लियर हो जाए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 55 हो गया ऐसा बोल रहा था मैं है ना, मैं कभी गलत बोलता हूं क्या रे? हाँ नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 56, वाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, 2x रेस टू दी पावर 4। सर म्हणजे आता सगळं व्यवस्थित चाललं होतं ना सर, सब बराबर चल रहा था ना, क्या खाज आ जाती सर आपको अलग ही क्वेश्चन पूछने का? बताओ कसं करायचं?
स्नेह मंचनी आज जवाब नहीं दे रही तू बिल्कुल। वन अपॉन टू एक्स टू दी पावर बताओ कैसे करने का। y इज इक्वल टू टू रेस टू दी पावर माइनस फोर इंटू एक्स रेस टू दी पावर माइनस फोर। एकदम जबरदस्त साला, जमाना इतना कलरफुल है ना, तुमको क्या बताऊं, ऐसे अलग अलग कलर लग जाते हैं, है ना सची, है ना रे। ये कौन सा आर्ट रहता है ना, ये भी एक आर्ट है, नेल आर्ट, क्या बात है रे, जमाना खराब है। मैंने आपको कल ही बताया था ना, मेरा बहुत छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रहता है ना रे, बताया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ, टू रेस टू दी पावर माइनस फोर, ये टू रेस टू दी पावर माइनस फोर को कस लिहायचं सांगा ना, है ना, वन अपॉन टू रेस टू दी पावर फोर इंटू एक्स रेस टू दी पावर माइनस फोर, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ना तो फिर डेरिवेटिव के रूल्स अलग है, तो वो अपन ने अभी तक देखे ही नहीं है, तो अभी ऐसे ही रहने दो इसको, यानी y इज इक्वल टू, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, टू रेस टू दी पावर फोर यानी वन बाय सिक्सटीन इंटू एक्स रेस टू दी पावर माइनस फोर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही है सर। कोई बोलता नहीं है, सही है, सही बोल रहे सर, सही है सर। वन बाय सिक्सटीन कॉन्स्टेंट है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है गलत है? सही है सर। हाँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा का वैसा इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन। सही है ना, यानी के है ना, ये आ जाएगा माइनस वन बाय फोर, ये चार से डिवाइड करेंगे ना हम, अबे बोलो ना, तो आएगा ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। इनटू एक्स रेस टू दी पावर माइनस फाइव, किस्सा खत्म। समझा कि नहीं समझा बोलो? समझा सर। मैं बीच में आ रहा हूं क्या रे? चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, लवकर लवकर मराठी मध्ये एग्जाम्पल नंबर 57 आ जाओ। अब ये एक तरीके के प्रॉब्लम तो हमने कर लिए, मैं थोड़े से फार्मूलेज देखता हूं और उसके बेसिस पे और प्रॉब्लम लेता हूं। हाँ, आप मुझे बताए, यू जस्ट टेल मी, जान दो यार यहां पे क्या है, यहां पे मिल जाएंगे हमको फार्मूले। वन बाय एक्स मैंने नहीं लिया ना, चलो अब आप ही मुझे बताओ सारे लोग और सारी लोगिया, डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स क्या है इसका फार्मूला, बोलो ना, अबे बोलो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है गलत है? सही है, सही है। यस, ये भी एक्चुअली अगर देखो ना तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये, y इज इक्वल टू वन बाय एक्स, यानी क्या मैं y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर माइनस वन लिख सकता हूं, हाँ या ना, अबे बोलो सर। हाँ, अब आप ही बताओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर n का फार्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन। सही है क्या, अबे बोलो ना सर।
यानी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स रेस टू दी पावर माइनस टू. हाउ की नाउ? अबे बोलो ना. हाँ सर. हाउ सर? इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर माइनस टू. अगर डिनोमिनेटर में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. यही है ये फार्मूला. समझा कि नहीं समझा? समझा सर. हाँ अथर्व भाई, थी बेटा आज तू जागा हुआ है या सोया हुआ है? हूँ सर. हाँ सुबह 7 से 8 में सोया हुआ था लेकिन, है ना? हाँ सर, थोड़ा वो हेल्थ इश्यूज है मम्मी के इसलिए. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है. अब हो गया क्या? बोलो रे, आगे बढ़ू क्या मैं? सर छुट्टी. हाउ सर? हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर इसमें ऐसा जरूरी है कि सर कि एक्स की पावर 1 ही रहनी चाहिए करके इस फार्मूले में क्या? हाँ सर. देखो ये 1/x का फार्मूला ये ऐसा का ऐसा ही लगेगा, और जहां एक्स की पावर चेंज हो गई तो तुम्हारे पास में एक्स रेस टू दी पावर एन का फार्मूला है ना? हाँ सर. आया ना साहिल समझ में? हाँ सर. हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं. मेरा रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, मेरा ध्यान ही नहीं. आप तो कुछ ध्यान रखते नहीं हो. सर एक बार वापस समझाओ ये वाली बात. चलो अंशुमन देख, y इज इक्वल टू 1/x है. अब आप ही बताओ अंशुमन मुझे, हमारे पास में एक फार्मूला है a रेस टू दी पावर माइनस m, यानी 1/a रेस टू दी पावर m, है ना? हाँ सर. यानी अगर ये टर्म न्यूमरेटर में चली गई तो इसका पावर जो है वो माइनस हो जाता. ये x अगर न्यूमरेटर में चले गया तो यहां x का पावर क्या है? 1. ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर अपनी साइन बदल देगा, माइनस 1 हो जाएगा. समझा ना? अरे सीधी बात है ना, शादी होने के बाद में सरनेम बदल जाता है ना, बस वैसा ही. डिनोमिनेटर की टर्म अगर न्यूमरेटर में आ गई तो इसका पावर है ना निगेटिव हो जाता. समझा ना? बोलो ना. हाँ सर. अब समझ में आ गया होगा बराबर बेटा अंशुमन, है ना? तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर एन का फार्मूला क्या है? एन इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1. सही है गलत है? बराबर है सर. है ना? तो माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस 2, है ना? ये माइनस साइन जैसा का वैसा. अब माइनस जैसा का वैसा 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर माइनस 2 अगर डिनोमिनेटर में चले गया ये एक्स की टर्म तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सही? हाँ समझ गया ना. चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, एग्जाम्पल नंबर 57 के बाद में 58. सही है गलत है? बोलो. सही है सर. सही है. हाँ सही है. अब थोड़ा सा रैप्चिक क्वेश्चन देखते हैं, चलेगा ना? अबे बोलो ना. हाउ सर? हाँ हाँ सर. देवदत्त, कार्तिक मुलानी, अनुष्का, ज्ञानेश्वरी, प्रेम, जयेश, चारवी दासानी, चारवी ताई, सब समझ में आ रहा है? यस सर. चलो बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास. वेदांश, गौरी, जिया, हर्ष, श्रीतेज, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं मैं. वाई इज इक्वल टू 2x प्लस, हमने लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अभी तक पढ़ा ही नहीं ना? कि पढ़ा? मैंने लिखवा के दिया क्या फार्मूले में? अरे यार ये तो छूट ही गया अपना, ये नहीं पढ़ सकते अभी अपन. पहले लॉग देखना पड़ेगा ना, लॉग वाली चीजें रह गई हमारी, है ना? लॉग वाली चीजें रह गई. बताओ एक फार्मूला है हमारे पास में,
डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका फार्मूला क्या है बताओ ना जल्दी, इसका ए भी नहीं बस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, क्या है इसका फार्मूला, वन बाय एक्स, है ना, हाँ या ना बोलो, अबे बोलो रे सर, हाँ सर, हाँ ये फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स, खत्म काम, इसी के ऊपर प्रॉब्लम लेते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, बताओ dy by dx कितना हो जाएगा, 1 by x, सही है गलत है, सही है सर, 59, y इज इक्वल्स टू 2 into log of x, बताओ क्या जाएगा डेरिवेटिव, dy by dx इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी dy by dx इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स यानी 1 बाय एक्स, अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा रे, 2 बाय एक्स, सही है गलत है, अबे बोलो ना, सही है सर, सही है शंबर, एक और बार रिपीट करो, एक बार और रिपीट करूं, देखो हाँ सर, हाँ सर एक और बार करो, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, अब आपको बहुत अच्छे से पता है डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होते रहता, कॉन्स्टेंट जैसा का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ या ना, हाँ सर, है ना, अरे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, डी डी एक्स ऑफ 2x यानी 2, डी डी एक्स ऑफ 3x यानी 3, देखे थे ना ये ऐसे क्वेश्चन, हाँ सर, हाँ बस एग्जैक्टली वैसे ही तो है, ये 2 जैसा का वैसा, कांस्टेंट जैसा का वैसा इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, अबे बोलो हाँ या ना, हाँ सर, समझ में आया ना, हाँ सर, सुनते भी नहीं है बच्चे, बदमाश है बच्चे, y इज इक्वल्स टू बताओ 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा रे, dy by dx is equals to 3 into derivative of log of x, यानि के dy by dx is equals to 3 into log x का derivative 1 by x, हाँ या ना, हाँ सर, हाँ तो हेच आमचं उत्तर, यही है हमारा आंसर, हाउ कि नाउ बोलो, हाउ सर, हाउ, हाँ सर, हाँ बहुत बढ़िया, अब आगे डिस्कस करते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, 61 y इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले रहा हूं, एक मिनट ध्यान दे देना बराबर सारे लोग, log of x square का डेरिवेटिव छोटा सा चेंज है, बताओ 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 बताओ, सांगा 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 सांगा, अब कैसा करने का बोलो ना, आता कस करायच सर, हमको इतना पता है log of a raised to the power b क्या होते रहता रे, b जंप मार के सामने आ जाता, b into log of a, हाँ या ना बोलो, हाँ हाँ सर, हाँ सर, है ना, बस इसी का यही कर रहे हम लोग यहां पे, therefore y is equals to यहां पे क्या आ जाएगा, 2 जंप मार के सामने आ जाएगा, 2 into log of x, यानि dy by dx क्या जाएगा, 2 constant जैसा का वैसा into derivative of log x का derivative 1 by x, ultimate answer कितना आ जाएगा,
टू बाय एक्स। समझा कि नहीं समझा बोलो। समझा सर। अगला क्वेश्चन। उमस हो गई, बारिश आ रही ना बाहर, उस चक्कर में। चलो स्लाइड चेंज करूं क्या, बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये हो गया 61, 62। कुछ लोग बोल रहे मुझे यहां कि कल संडे है तो भी क्लास ले लो सर। अरे नहीं सर, कौन बोल रहा सर, नाम बता। ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैं आज तक कभी आपके आगे गया क्या? हाँ बताओ, मारते हम सर। उनकी ले लो सर, उनकी ले लो सर, ऑफलाइन ले लो सर, हमको रहने दो। ऐसा नहीं रहता ना, क्लास तो सबकी लेना पड़ता ना। मैं ऐसा इम्पार्शियल पर्सन लगा क्या आपको, है ना? तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा सर। काटोच मत सर। हाँ बताओ, y is equals to log of x cube। बताओ कसो करायचं रे? वैष्णवी, आदित्य, इसाल, सांग लवकर कसो करायचं। आदित्य, इसाल, आदित्य बेटा बोल जल्दी। देख हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं तेरे को क्वेश्चन पूछता हूं तभी तेरा ऑडियो वर्क नहीं करता है ना सर। आदित्य सर, 3 into log x, ये log ऑफ a रेस टू द पावर m या a रेस टू द पावर b, क्या होते रहता, b इंटू log ऑफ a, है ना? अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू log x का डेरिवेटिव 1 by x, अल्टीमेटली आंसर 3 by x। सही है गलत है बोलो। अबे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ चलो सारे लोग, और है ना अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 63 एग्जाम्पल। कुछ लोग पता है क्या, पढ़ाते वक्त सिर्फ और सिर्फ चैटिंग में बिजी रहते है ना, ऐसा भी होते रहता है ना। कुछ लोग फुल आपस में चैटिंग में रहते, उनका टेंशन क्या पढ़ना है उसमें नहीं रहता है ना, अपने दूसरे दुनिया में। और कुछ लोग ऐसे रहते जो पूरे अटेंटिव रहते, फुल फ्लेज, बिल्कुल माइक ऑफ भी नहीं करते, ऑन ही रखते कि भाई मैं पहले जवाब दूंगा, ऐसे भी कुछ लोग रहते है ना। आप उसका ये देखो कि आप कितने जुड़े हुए हो फिर उससे, है ना? जस्टिफाई कर रहे हो क्या कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि मैंने 12वीं कर रहा हूं, मैं 12वीं के क्लास, क्यों ऐसा लोगों को बताने के लिए क्यों करने का? उससे अच्छा ज्वाइन ही नहीं, छोड़ देने का, एजुकेशन ही छोड़ने का है ना। बिंदास जो मन में आवे उसमें पूरे 100% लग जाओ, आधा अधूरा थोड़ी बात बनते रहती है। हाँ y इज इक्वल्स टू, बताओ रे क्या है y की वैल्यू? मैं एक्चुअली अब एक नया फार्मूला ले रहा हूं, है ना? सबके पेशेंस है ना? अबे बोलो ना। यस सर। यस, दैट्स द स्पिरिट। y y छोड़ो, वो फार्मूला बताओ मुझे, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स टू द बेस a, क्या है फार्मूला? 1 upon x इंटू log ऑफ a टू द बेस e। सही है गलत है बोलो। 100% सही है सर। 100% सही है। बताओ इसका फार्मूला, y इसके ऊपर का प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2। बताओ
क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन है ना एक्स इंटू लॉग ऑफ, यहां ए था तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ई आया है ना, बी रहता था तो बी टू द बेस ई आता था, सी रहता था तो सी टू द बेस ई आता था, आपका नाम रहता था तो आपका नाम टू द बेस ई, उसका नाम रहता था तो उसका नाम टू द बेस ई आता था। सही बोला ना मैंने? सही सर। हाँ है ना। अब आप ही बताओ, यहां टू है तो लॉग ऑफ क्या आएगा, टू टू द बेस ई। सही है गलत है बोलो? सही है सर। नंबर टक्के सही है। एग्जाम्पल नंबर 64, वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ, बताओ थ्री टू द बेस ई। अरे सही है ना। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 65, वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 4। बोलो 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 10 का डजन। हाँ क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस ई। सही है ना सब? हाँ सर। हाँ स्लाइड करू ना चेंज सर? हाँ बोलो ना ताई। सर एग्जाम्पल नंबर 62 में सेकेंड स्टेप में लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई भी होना चाहिए ना? हाँ तभी ताई, ताई देखो जिस तरह से मैं दिया बोलता हूं, माखीजा बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ मालूम ही चाहे, जयेश बोलता हूं जारी बोलने की जरूरत नहीं है मालूम है, प्रणय बोल रहा हूं तो काड़े बोलने की जरूरत नहीं है, है ना, उसी तरह से जब बेस ई है तो ये मालूम रहता, ई के जगह पे दूसरा कोई बेस आ रहा है तो जरूर लिखना पड़ेगा, लेकिन बेस ई है तो इट इज ठीक है, ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, यानी ये लिखो तो बहुत अच्छी बात, ना भी लिखो तो कोई कुछ बेस नहीं है, यानी बेस ई ही है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ सर, अगर एक ही नाम के दो लोग हैं तो? ई के जगह पे एक ही नाम के दो लोग हैं तो फिर? अच्छा हाँ, तेरी कोई गलती नहीं बेटा, है ना, तू एकदम सही है, हाँ बहुत तरक्की करेगा तू, है ना, हाँ तो तू बराबर। ई कांस्टेंट है क्या? हाँ ई कांस्टेंट है? ई कॉन्सेप्ट नहीं, बेस है, बेस कांस्टेंट, जी हाँ ताई ई कांस्टेंट ही है, 2.8183 ऐसी कुछ वैल्यू है उसकी, है ना? हाँ सर। जैसा पाई है वैसा ई है, यू नो पाई? हाँ यस सर। हाँ एग्जैक्टली वैसा ही ई है। चलो सर। हाँ सर, y इज इक्वल टू x टू द पावर इंफिनिटी, इसका क्या आंसर आएगा? y इज इक्वल टू x रेस टू द पावर इंफिनिटी, है ना? पहली बात, इसका हम एप्रोप्रिएट आंसर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डेरिवेटिव की बात करो तो dy by dx is equals to infinite into x raise to the power infinite minus 1। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि infinite minus 1 यानी भी infinite और infinite into anything यानी भी infinite, समझ में आ रहा है क्या, है ना? तो ऐसी ये बात रहेगी। हाउएवर ये जो है ना, ये एक्सेप्शनल चीजें है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, है ना? ये हमारे पूर्वज भी ऐसी बहुत सारी थ्योरीज निकाल के गए जो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होती है ना, तो वैसी ये सारी बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या रे? Yes, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन
क्वेश्चन, कोई जवाब नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं देता, मैं एक नंबर का लुच्चा लफंगा हूं ना? नहीं सर। फिर नहीं मेरे सर। को रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? टाइम हो गया क्योंकि टाइम हो गया बोल रहे कुछ लोग, मेरा मैं इतने जल्दी जाने वाला हूं क्या? है ना, तू भी बता। नहीं हो गया सर। है ना, इतने नहीं सर, 7 मिनट बाकी है। फिकर मत करो, मैं जब जाऊंगा ना तो मस्त फेसबुक पे पहले दिन डालूगा ऐसा मस्त, है ना, कि हाँ कल जाने वाला हूँ, सारे लोग आ जाओ। और साला ऐसा तड़ाके बाहर लेके जाने का डीजे वीजे सब ऐश करते हुए आओगे ना सब? सर पक्के में रखना है कि? हाँ सर। देखो साले हाँ बोल रहे, यानी ले जाने के लिए तो इतने उतावले हो रहे है ना। बस डीजे का बुकिंग अभी से कर लेते ना। हा 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 हा, डीजे का बुकिंग अभी से कर लेते बोले ऊपर वाले। हाँ चलो ध्यान दीजिए ना सर, एडवांस दे दो सर। हाँ एडवांस, एडवांस में। अब एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, मेरे को रिदम बनाने दो रे। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5, मैंने दिमाग में क्या था, मुझे क्या देना था रे, है ना, बातें करने लग गया मैं आप लोगों से। ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मैं ले लूंगा। बताओ रे ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 5, बोलो ना, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इनटू लॉग ऑफ 5, x इनटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस e। सही है गलत है? सही है सर। हाँ 100% सही है। अगर मैं यहाँ ये बेस ई नहीं लिखता हूं ताई तो चलेगा क्या जी? हाँ बेस कुछ नहीं है, यानी क्या माना जाएगा कि बेस ई ही है। हाँ लिखा तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 7। बताओ डीवाई बाई डी एक्स यानी 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस e। एग्जाम्पल नंबर 68, y इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 3। बताओ आता कस करायचं सांगा ना, बोलो 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 बोलो। कोई जवाब नहीं दे रहा, इतने सारे लोग हैं क्लास में। हाँ 2 into 1 by x, y is equals to 2 सर, कॉन्स्टेंट इन डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू, मैं बराबर लिखता हूं थोड़ा सा, dy by dx is equals to constant into derivative of log of x। सही है ना? कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे? हाँ सर। हाँ सर, dy by dx is equals to 2 into log of x to the base 3 का derivative कैसा आ जाएगा? 1 upon x इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई। सही है ना ताई? कौन सी ताई थी वो? ई वाली इंगाग पोरी इंगा, है ना, ऐसे ही है ना कुछ, तो पिंगा है, मैं इंगा कर दिया था उसको। एक मिनट तो आपको भी सही से लगा होगा वो, है ना। हाँ पिंगा मस्त है ना वो, पिंगाग पोरी पिंगाग। हाँ dy by dx is equals to 2 upon, अबे बोलो ना सही है गलत है? सही है सर। हाँ, सही है सर। मैं एक्शन की बात कर रहा हूं।
एक्शन भी सही है और आंसर भी नंबर तक क्या एक्शन सही है। हाँ चलो बढ़िया, ये गाना लगाएंगे डीजे में। हाँ बताना कैसे है। हा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कल देखते ना सर, कल देखते ना सर, कल देखते बाय सर, परसों देख, कल सर एक ले लो सर, परसों देखते सर। अरे मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बोलो थोड़ा जोर से बोलो सर। मंडे को देखते, मंडे को देखते सर, मंडे को देखते हैं। अच्छा मंडे को देखने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं ना सर। चलो ठीक है, आपके पेशेंस खत्म हो चुके हैं मुझे पता है। टाटा बाय बाय, सी यू।